आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ 4+64 GB टेस्ला। इसके अंदर आपको जो साइड के बटन्स हैं इसमें एलईडी लाइट मिल जाती है और साथ में ही आपको ये क्रोम फिनिश मिल जाती है। और ये जो इसके वॉल्यूम नोब्स हैं इसमें भी आपको पियानो फिनिश मिल जाती है, जबकि जो TS7 प्रोसेसर वाला होता है 2 GB 32 GB वाला उसके अंदर आपको नॉर्मल मैट फिनिश मिलती है। इसके अंदर आप देख पाएंगे बिल्कुल पियानो फिनिश है। दोस्तों सबसे मेन जो डिफरेंस होता है TS7 सीरीज़ और MTK सीरीज़ के अंदर वो ये कि TS7 के अंदर जो वॉल्यूम है आपकी 30 तक रहती है और इसका जो साउंड आउटपुट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी वॉल्यूम भी टोटल 40 तक जाती है। अब मैं आपको इसकी इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये इसका इंटरफेस है। इसके अंदर जेड लिंक आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलाने के लिए। आपको जस्ट अपने फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट करना है और उसके बाद आप बिना कोई वायर जोड़े, ये देखिए अभी इसके अंदर कारप्ले चल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है मेरे फ़ोन से ही, जबकि कोई भी USB कनेक्ट नहीं है। दोस्तों आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 वर्जन मिल जाता है, 4 GB मेमोरी मिल जाती है रैम, 64 GB स्टोरेज मिल जाती है और T5 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि MTK की तरफ से आता है। और बाकी ये सब इसकी बाकी डिटेल्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पासवर्ड है वो 6×4 रहता है। ये आपको कैनवास की सेटिंग मिल जाती है। अगर आप इसको शेवरले क्रूज या किसी और ऐसी गाड़ी में लगा रहे हैं, टाटा नेक्सॉन वगैरह में लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से कैनवास की सेटिंग करनी होती है। और ये बाकी इसके अंदर ऑप्शंस है। ये फ्रंट स्विच, अगर आप इसमें आप ड्यूल कैमरा लगाते हैं तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको इसमें साउंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर डिस्प्ले के अंदर आप यहाँ से आप इसकी ये जो साइड के पैनल्स हैं इनका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये सभी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसकी ब्राइटनेस को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में अगर स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल लगे हुए हैं तो वो भी आप इसमें चला सकते हैं, और अगर आपकी बेस मॉडल कार है तो उसके अंदर आप यूनिवर्सल स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ये दोस्तों इल्यूमिन डिटेक्ट है, यानी कि जब आप गाड़ी की हेडलाइट वगैरह चलाएंगे, रात का टाइम होगा तभी यहाँ लाइट जलेगी, या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं जिससे कि इसमें हर टाइम गाड़ी की लाइट चलती रहेगी, मतलब आपके बटन्स की लाइट जलती रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके कार के हेडलैम्प से। जो दोस्तों मेन स्क्रीन पर आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाता है, जब गाड़ी चलती है तो वो आपको वहाँ एक्यूरेट स्पीड दिखाता रहता है। अगर आपको उसमें और आपकी कंसोल में कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको आप यहाँ स्पीड करेक्शन पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिल जाता है। लाइव वॉलपेपर के इसमें आपको ये दो ऑप्शंस हैं, और नॉर्मल वॉलपेपर में आप अपनी कोई पेन ड्राइव वगैरह की फ़ोटो भी इसमें इजीली लगा सकते हैं। ये देखिए माय फोटोज़ में जाके आप इसकी गैलरी में से भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये सब ऑप्शंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। ये देखिए और ये सब इसकी बाकी जैसे नॉर्मल एक एंड्रॉयड होता है, ये उस तरीके की सेटिंग है इसकी। ये इसका मेन इंटरफेस है। इसके अंदर आपको क्रोम, यूट्यूब, DSP, इसके अंदर आपको साउंड के भी कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, सराउंड लाउडनेस कम ज़्यादा करने के, सब ऊपर, यानी कि आपको जो इसके अंदर बेस चाहिए वो कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। ESP भी है इसके अंदर, बैलेंसर भी है। ओवरऑल दोस्तों उसका जो DSP है वो प्रॉपरली वर्क करता है। और इसके अंदर आपको ये प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ये सब चीज़ें इनबिल्ट मिल जाती है। दोस्तों ये मोस्टली हर गाड़ी के अंदर फिट हो सकता है। इसकी जो पीछे की बॉडी है वो प्रॉपरली एक 9 इंच फ्रेम की, दोस्तों जो इसकी पीछे की बॉडी है एक नॉर्मल 9 इंच एंड्रॉइड की तरह ही सेम है। ये किसी भी 9 इंच के फ्रेम में आप इसको इजीली लगा सकते हैं।